नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में और मैं हूं ब्रजेंद्र। तो आज है 1 अप्रैल और आज से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आज की जो प्रमुख खबरें हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सारी खबरें शिक्षा जगत से हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी वो खबरें हैं। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जो पहली भर्ती है SSC में सिपाहियों की भर्ती को लेकर के है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिपाही भर्ती का रिजल्ट 31 मई को आएगा, ठीक है। SSC की सिपाही भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा का परिणाम 31 मई को घोषित किया जाएगा। यह परीक्षा 11 फरवरी से 11 मार्च 2019 तक हुई थी, ठीक है। मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले UP और बिहार के 18 जिलों में बनाए गए केंद्रों पर इन दोनों राज्यों की 14,78,730 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी। इनमें से 62.13% परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हुए थे, ठीक है। तो दोस्तों ये परीक्षा का रिजल्ट आपका 31 मई को घोषित किया जाएगा, ठीक है। वहीं पर दोस्तों जो दूसरी खबर है स्टेनोग्राफर भर्ती 2018 को लेकर के है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर भर्ती का रिजल्ट 15 अप्रैल को। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से स्टेनोग्राफर Grade C एवं Grade D भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा का परिणाम 15 अप्रैल को घोषित कर दिया जाएगा। इस आशय की सूचना SSC की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आप डायरेक्टली जा कर के ये पूरी सूचना वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 2 दिन पहले ही SSC ने स्टेनोग्राफर Grade C एंड Grade D 2017 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया था। दोस्तों अब SSC के कामकाज में थोड़ी सी तेजी आई है और यहाँ पर अब रिजल्ट जल्दी जल्दी जारी हो रहे हैं। अभी तक तो पूरा विवाद ही चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे रिजल्ट और जो भी इसके फॉर्म हैं वो जल्दी आएंगे। नीचे देख पा रहे होंगे स्टेनोग्राफर Grade C एंड Grade D 2018 की लिखित परीक्षा 5 से 7 फरवरी तक 2 पालियों में कराई गई थी। 5 फरवरी को पहली पाली में हुई परीक्षा में गलती से ई कैलकुलेटर की सुविधा दे दी गई थी, इसलिए पहली पाली की परीक्षा निरस्त कर 8 फरवरी को पुनर्परीक्षा कराई गई थी, ठीक है। SSC मध्य क्षेत्र दफ्तर के अंतर्गत आने वाले UP और बिहार के 1,29,020 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था। तो दोस्तों इसका रिजल्ट 15 अप्रैल को आ रहा है और यहाँ पर आप लोग अपना रिजल्ट देख पाएंगे 15 अप्रैल को। तो वहीं पर काफ़ी बड़ी मात्रा में अभ्यर्थी इससे भी निराश हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं SSC की CBI जांच में देरी से आक्रोश। आपको पता होगा यहाँ पर CBI जांच चल रही है SSC में, तो यहाँ पर भी काफ़ी अभ्यर्थी नाराज हैं। जाँच के प्रति सरकार की बेरुखी पर जताई चिंता। SSC यानी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं की जांच CBI से कराए जाने पर स्थिति अब तक स्पष्ट ना होने और सरकार की बेरुखी के चलते अभ्यर्थियों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा पूरी कर चुके अभ्यर्थियों ने ऐसी दशा में कम से कम 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाने की मांग की है। दोस्तों बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो जांच के चलते काफ़ी देरी हो गई, इस वजह से यहाँ पर वो ओवर एज हो गए, तो वो लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि कम से कम 2 अतिरिक्त अवसर उनको दिए जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे रविवार को प्रयागराज स्थित बैंक रोड चौराहे के समीप SSC के अभ्यर्थियों का जमावड़ा हुआ। बैठक में इस बात पर चिंता जताई गई कि जिन अभ्यर्थियों ने 2017 में CGL और CHSL की परीक्षा दी है और अब अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें 2018 की भर्ती में शामिल होने का मौका भी नहीं मिल रहा है। और 2017 की भर्तियों में गड़बड़ी पर CBI जांच के मामले में सरकार स्थिति भी स्पष्ट नहीं कर रही है, जिससे नौकरी पाने की उम्मीदें टूट रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना जमावड़ा लगाया और इन सब बातों पर चर्चा की। तो वहीं पर अगली न्यूज है TGT PGT 2016 हुआ अन्य भर्तियों को लेकर के चयन बोर्ड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चयन बोर्ड का घेराव आज। TGT 2016 की उत्तर कुंजियों में गलतियों की भरमार और 2011 की लंबित परीक्षाओं के परिणाम अब तक न आने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। अभ्यर्थियों ने 1 अप्रैल को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर घेराव करने की तैयारी कर ली है। प्रतियोगियों का कहना है
कि विभिन्न विषयों में प्रश्न या उत्तर में 2 से 3 गलतियां मानवीय भूल हो सकती हैं, लेकिन गलतियों की भरमार हो जाए तो इसे क्या कहा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा के संयोजक विकी खान और अनिल कुमार पाल आदि ने चयन बोर्ड की कार्यशैली के खिलाफ सोमवार को दिन में 11 बजे घेराव का निर्णय लेते हुए पहुंचने का आह्वान किया है। तो दोस्तों, अगर आप भी इलाहाबाद या इसके आसपास के एरिया से आते हैं तो चयन बोर्ड एलनगंज में आज 11 बजे से यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, घेराव होना है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात सही है, आप टीजीटी 2016 की आंसर की देखे होंगे, हर विषय में 7, 8, 5, 6 इस तरीके से यहाँ पे गलतियाँ निकल रही हैं। ठीक है, इतनी भारी मात्रा में गलतियाँ नहीं निकलनी चाहिए, और चयन बोर्ड यहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ मानता भी नहीं है। अगर आप आपत्तियाँ भी दर्ज कराते हैं तो मानता भी नहीं है, बल्कि खुद कोर्ट चला जाता है और वहाँ पर भी आपको कोई भी बात नहीं मानी जाती यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर अमर उजाला पेपर में भी ये अखबार आज आया है, प्रतियोगी आज करेंगे चयन बोर्ड का घेराव, तो यहाँ पर भी वही न्यूज़ छपी हुई है, तो 11 बजे से आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जो अगली न्यूज है वो है, आज से नया सत्र अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षक नहीं, ज़्यादातर स्कूलों में पुरानी किताबों से ही पढ़ेंगे विद्यार्थी, नए सत्र में आवश्यक तैयारी के लिए दिशा निर्देश जारी। दोस्तों, आज 1 अप्रैल है, आज से प्राथमिक, जूनियर, इंटर, कॉलेज सभी में नया सत्र की शुरुआत हो रही है, और यह हाल ये है कि प्राइमरी और जूनियर में यहाँ पर किताबें तक नहीं पहुँची है। अंग्रेजी माध्यम के कुछ ऐसे स्कूल हैं जो प्रसिद्धि विद्यालय के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पर भी अभी तक टीचर नहीं अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, शॉर्ट में इसको मैं बता देता हूँ आपको, प्रदेश के प्रसिद्धि एवं माध्यमिक विद्यालयों में 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होने जा रहा है। नए बनाए गए अंग्रेजी माध्यम के 134 स्कूलों में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो सकी है। इसके अलावा ज़्यादातर स्कूलों में पुस्तकों का वितरण कार्य भी पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में बच्चों को पुरानी किताबों से ही पढ़ना होगा। हालांकि नए सत्र की तैयारी के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये जो न्यूज है इलाहाबाद की है। वहीं पर दोस्तों, आप ये भी दे सकते हैं, गरीब बच्चों के मुफ्त प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी है, दुर्बल वर्ग के बच्चों को अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम के निजी स्कूलों में प्रवेश देने के लिए अंतिम तिथि 5 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक गणेश कुमार के अनुसार BSA द्वारा आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल, आवेदन पत्रों का सत्यापन उन्हें लॉक करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल है, लॉटरी द्वारा आवेदन पत्र निकालने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल, और बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की प्रवेश कराया जाने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल यहां पर घोषित कर दी गई है। तो दोस्तों, यहां पर भी उन लोगों को फ़ायदा होगा जो गरीब बच्चे हैं और यहां पर फीस नहीं पे कर पाते हैं और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यहां से थोड़ा सा अच्छी खबर है। वहीं पर दोस्तों, जो अगली न्यूज है वो माध्यमिक परिषदीय विद्यालयों में नया शैक्षिक सत्र, आज से इलाहाबाद की न्यूज है, जिले के माध्यमिक एवं परिषदीय विद्यालयों में नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत सोमवार को हो रही है। इसके लिए विद्यालयों में तैयारियां पूरी हो गई हैं। माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9, 10 एवं 12वीं की कक्षाएँ प्रारंभ होंगी, तो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी सभी कक्षाएँ शुरू होंगी। माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाएं सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक चलेंगी, जबकि प्रसिद्धि विद्यालयों में कक्षाएं सुबह 8 से 1 बजे तक चलेंगी। तो ये अपडेट है आपका। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो की प्रमुख खबरें थी। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरीके की खबरें लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल निशान दबा लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी तुरंत अपडेट आपको मिल पाए। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के काफ़ी खबरें आ रही हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में अब ये तय हो गया है कि भर्ती का भर्ता बन चुका है, अब ये हर हाल में भर्ती डबल बेंच में जा रही है। ठीक है, डबल बेंच में जाने से ना तो रिजल्ट जारी होगा, ना ही रिवाइज आंसर की आएगी,
फिलहाल इस भर्ती में अब लंबे समय तक एक सस्पेंस बन गया कि कब भर्ती ये शुरू होगी फिर से। फिलहाल अभी तो 69,000 भर्ती शुरू होने का कोई भी चांसेज नहीं दिख रहे हैं। अब दोस्तों जैसे ही इसका कोई नया अपडेट आता है, फिलहाल वैसे सोशल मीडिया पर बहुत सारी न्यूज़ वायरल हो रही हैं, उस पर आप लोग मत जाइएगा, ठीक है। जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वो आपको मिलती रहेगी यहीं से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।